आज आम पाँच सौ चौतीस इंपोर्टां क्वेश्चि आम को करवाकू क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करने पूर्व गोटे जिनस मन रखी गोटे जिनस मुझे कहने को चाहिए जेकोसी एग्जाम क्रा करम को दुईटा जिनस दरकार गोटे फर्मुला एंड सेकेंड इज आल्सो गोल फैक्चुआल डाटा ना फैक्चुअल डाटा होगी सपोज फर एक्जामपल्ल व्हाट इज द पावर कंज्यूम प्योर ए सक इम एस इंटू आर एम एम दिस इल दि फैक्चुअल डाटा ठीक है तो फाइंड डायनामिक रेजिस्टेंस रेजटां अब डाय सबोज क्वेश्चन पचारा तो डायनामिक रेजिस्टेंस में डायनमिक रेजा करया बाहर कैन सिंपली अप्लाई द दप्लाई डायनामिक रेजिस्टेंस आर डी तो इक्वाल टूटा विटि आई टी ये फार्मूला ये फर्मुला, फर्मुला एप्लाय करी आमें प्रोब्लम सल्व करने से हम कोचे कौन ये फार्मूला को मन रखिया निहात दर तो वन इज द फैक्चुअल डाटा को मन रखिया नि दरकार सेकंड हाउस फर्मुला को आपने घोषिकी मन रखा निहा दर जदि या जिनसा ताहले आराम से जे कोनो से एग्जाम क्राक कर पार्बा आमे जो पाँच चौतीसा थो क्वेश्चन ऑल ओवर इंडिया रे जो जो एग्जाम कंडक्ट हो स्टेट लेवल हो कि सेंट्रल लेवल हो सब कलेक्शन करके पाँच चौतीसटा क्वेश्चन सॉल्व करने को पाँच चौतीसा क्वेश्चन आमे कोडू नबा कौ कलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स माइ पायरो इलेक्ट्रोनिक्स माइक्रोपर ये फैक्चुअल डाटा ना कंसेपचुअल क्वेश्चन ना ये फर्मूला बेसर क्वेश्चन टा जिनस को आम ध्यान देवा निहा दरकार जदि तीन टा जिनस को आम ध्यान से एग्जाम आराम से क्राक कर दे पार

हंड्रेड परसेंट एफिसीयसी दि इनपुट के भी इक्वल टू आउटपुट के भी ये इन ए आईडल ट्रांसफर अर्थ होती कौन देर इज नो इंटरनाल रेजिस्टेंस, इंटरनल जीरो जैसे इनपुट देने का आम आउटपुट भाला दिस इज आल्सो आइडल বুঝা গেল সো সেতবা দিস ইজ অলসো কল ফ্যাকচুয়াল ডেটা কোশ্চেন হোয়াট আর দি আনসার আনসার ইজ জিরো রেজিস্ট্যান্স দি কোশ্চেন নাম্বার দো দি নিউ ভোল্টেজ অফ দি সিলিকন ডায়োড নিউ ভোল্টেজ অফ সিলিকন ডায়োড হাউ কে জার্মেনিয়াম ডায়োড হো হোয়াট আর দি নিউ ভোল্টেজ ইকুয়াল টু 0.7 ভোল্ট এন্ড 0.3 ভোল্টেজ দিস ইজ আ সিলিকন হউচি 0.7 ভোল্টেজ এন্ড জার্মেনিয়াম হউচি কত 0.3 ভোল্ট ঠিক আছে সো এইদরা কোশ্চেন দিস অল আর দি ফ্যাকচুয়াল ডেটা কোশ্চেন অল আর দিস ক্লিপিং সার্কিট ক্লিপিং সার্কিট गोटे क्लांपिंग सर्किट क्लिपिंग सर्किट क्लीपिंग सर्किट रेजिस्टेंस दिया है ट्वेंटी फाइव ओम एंड आर दिया दि विल मेगा ओम फ्वार दि एस्टर्न पर फर्मुला कि सल्व करिए दि एस्टर्न रेजिस्टेंस इक्वल टू रूट मीन ऑफ़ दि आर एफ इन आर एर सिंपल फर्मुला इक्वल टू ट्वेंटी फाइव दिया हुआ है इंटू ओन मेगा दिया है दिस इज दि पांच दिस इज द आंसर दिस इज पांच किलो तो यही क्वेश्चन कौन दिस इज आल्सो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन देखो मु फर्मुला जदि जानी तो हाउ टू सल्व दि क्वेश्चन क्वेश्चन को सल्व करें दिस्ज दि फैक्चुअल डाटा एंड दिस इज दि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ठीक है रेजिस्टेंस इंटु भिटी आई टी थेसोल भोल्टेज बै थेसोल कैरेन्ंट दिस इज अल्सो को डायनमिक रेजिटेन्स तो निचे के तो मिली एमपियप्रोक्सीमेटली के ट्वेंटी सिक्स मिली मिली भोल्ट बै व्वान मिली एमपिय इक्वाल टू ट्वेंटी सिक्स दिस इज दि फर्मुला तो ई कॉ रिमेमर दिस्मुला एंड विली एमपिय डाटा इज गिभेन देन एप्रोक्सीमेटली व्यू कैन फाइंड आउट दि भैल्यू ठीक है तो यहीपर आम जांच क्वेश्चन कौन कौ डायड हूज टर्मिनाल क्रेसिक्स आज गिभेन आई डी दि डायरेक्ट करेंट इक्वल टू आई एस सोर्स केंट इंटु भि बै भि आर इज बेस्ट आई डी इक्वल टू मिलियम पर इज गिभेन आई डी आम को दू मिलियन पेर देला देन व्हाट्ट दि डायनामिक रेजिस्टेंस दि डायनामिक रेजिस्टेंस सिंपल फर्मुला दि डायनामिक रेजिस्टेंस इज गि आर डी इक्वल टू मैं लिख रहा हम डायरेक्ट टू इंटु ट्वेंटी फाइव मेले ओम बाय टू 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 कैंसल दिशे बाय टू टू दिशे टू टू कैंसल यू कैन गेट द ट्वेंटी सिक्स ओम ठीक है तो ट्वेंटी सिक्स ओम तो देटली ट्वेंटी फाइव ओम को आम क्या दिस इज आल्सर को डायनमिक रेजिस्टेंस क्वेश्चन पांच ठीक है एवं डायर डी वन डी टू इन द फिगर एजूम दैट डायर डी ऑन डी टू इन फिगर आर आइडियल डायर डी ऑन और डी टू ये डी ओन दिस इज गि वन दिस गी वन एंड दिस टू एज्युमिंग करिया करा ना d1 ओन इन द फिगर आई आइडल दिस इज आल्सो कॉल्ड आइडल डायड दिस इज आल्स को आडेल डायड उटा आइडल डायड ये उटा आइडल डायड ठीक है द वैल्यू ऑफ द करंट आईएस आई रो करंट केव हो एस मतलब भर दिया आईएस ये जो जो आईएस करंट फ्लो होची व्हेन द करंट फ्लो आईएस आई जो करंट फ्लो होची करंट हो सी आईएस कैंट केज आल्स फर दिशे प्लस माइनस दिस इज आल्सो कॉल्ड फॉरवर्ड बायस एटा फॉरवर्ड बायस दिस इज रिवर्स बायस दिस इज रिवर्स बायस रिर्स कौन ओपन है जो ओपेन लापर फाट दि कैंट दि कैंट फो इन दि सार्किट क्या सीम्पल भाषा क्वेश्चन ये आम कि दिमाग लेगा कि दरकार ना ठीक है देन क्वेश्चन नंबर सात कुो टू दि क्वेश्चन नंबर सेवेन क्वेश्चन नंबर सेवेन इज ए फैक्चुअली कन्सेचुअल एंड पुरा प्रोब्लमेटिक क्वेश्चन एमेगा इज एप्लायड टू दि सर्किट इटी के मुँहली ना टेन सैन ओमेगा मुनली ठीक है टेन सैन ओमेगा इज एप्लायड टू दिकिट वैडल डायड आर सोन ए फिगिगर दिस्ल आर दि आईडल डेड दि मैक्सीम भैल्यू दि आउटपुट वेव फम अफ दि सर्किट मैक्सीम भोल्टेज केवर मिनिमम भोल्टेज आउटपुट सर्किट से बाहर कर बोली कही है ठीक है तो यही पोश्चिन्न आम क्या फाटे दि मैक्सीम भोल्टेज देख इन दिस कैसिट ये फ्लो हे ना तो सीधा क्या ईला सर्ट होगा सर्ट हालाप फाटे सर्किट तो यही कौन भोल्टेज टेन सैन ओमेगा ये वोल्टेज के प्लस आर प्लस माइनस फोर वोल्ट प्लस माइनस फोर वोल्ट तो फाटे दी आउटपुट वोल्टेज व्हाट इज दिस आउट वोल्टेज द आउटपुट वोल्टेज भोल्टेज आम्रोक्सीमेट व्हाट दी एटा शॉर्ट हैला तो ए ये भोल्टेज सच भिज 4 वोल्ट तो भाड़ दी आउटपुट वोल्टेज आउटपुट भोल्टेज इक्वाइट 4 वोल्ट मिल गाला ठीक है क्लियर ताप पर तापर आम नेक्स्ट कंडीशन प्रथम कंडीशन कौन एटा रिवर्स बायस रिभर्स व्हायस रिभर्स व्वज है कौन रिभर्स वायस भैन भेन जो तो सैन स एससी एप्लाय कले दीरा कंडीशन वन दि पॉजिटिव हाफ साइकिल

देन व्हाट्ट दि वोल्टेज आउट वोल्टेज कौन ये ब्रांच जो वोल्टेज इक्वल टू आउट अ पैरेलल सर्किट सकते वोल्टेज कते 4 वोल्ट वॉर्ड दि आउटपुट वोल्टेज ना वी भिजरा इक्वल टू 4 भोल्टेज आम प्लस 4 वोल्ट क्लियर हो गेला सो दिस इज द वन देन आम जीवा नेगेटिव हाफ अप्लाई करले व्हेन यू कैन अप्लाई टू टी नेगेटिव हाफ एते अप्लाई टू दि नेगेटिव हाफ ए नेगेटिव सैगेट अप्लाई करले तो कते आइडिया के दें तो टेन सैन ओमेगा टी तो नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब कहता हो माइनस टेन माइनस टेन सार्ड दी भि भिटी कल भि एम सैन मैट भारदी मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज इन माइनस टेन वोल्ट मैक्सिमम वोल्टेज के मैनस टेन भोल्ट बुझाला तो भार्डी मैक्सीम भोल्टेज माइनस टेन भोल्ट एप्लायली टेन वोल्टेज तो ये कौन होला व्हाट इज दिस दिस इज द ओपन सकी आई तो दिस् इज अल्सो टेन किलो ओम टेन किलो ओम पुनी सर्किट क्लोज होगा यहाँ कौन सर्किट क्लोज And this is also called a minus plus. This is the four volt. And this is also called 10 kilo ohm, 10 kilo ohm, and the circuit will close. And the voltage on the output side. Output side of voltage bacteri. Now current let i current flow in the circuit. Let i amount the current flowing in the circuit. So plus four plus or minus ten i 10 i plus vi equal to 0. वो कैन फाइंड आउट दी ऊके दी केल इक्वेशन के भीएल इक्वेसन पकड़ा पकला पर मुँह कहली ऊके फाइंड आउट दी आई आई आम के पूर्ड दि भैल्यू जस्ट कोड़े वो पूर्ड दि भैलू आई ईक्वाल टू मैनस सिक्स बै ट्वेंटी एमपीएर आई ईक्वा माइनस सिक्स बै ट्वेंटी तो कितना बाला भि आई के भि आई भि आई पकईदे माइनास टेन भि आई केक्वाल टू माइनास टेन भोल्ट पक देख दिशी दे दिशी दी कंसेपचल क्वेश्चन आपको किम सल्व करी आई के माइनस माइनस टेन पुट कर सारा मतलब आई के मिला माइनस छे बै ट्वेंटी एम मिला तो माइनस हट दे आउटपुट वोल्टेज ये मतलब मिल गाला आई है आउट किन कितना करी आउटपुट इक्वाल टू हट दे आउटपुट वोल्टेज टेन आई माइनस फोर वर्ट दि आउट वोल्टेज आउट वोल्टेज भी जीरो इक्वल एटी के होती टेन आई टेन आई मैनास फोर है तो टेन इंटू तो डी दि आंसर वन इज प्लस फोर फोर वोल्ट एंड माइनास सेवेन वोल्ट दिस इज अल कंसेप्चुअल क्वेश्चन এই প্রকার যদি কোশ্চিন আসা তাহলে আমি টেকিং হব নোলে অল আর্ দি কোশ্চিন আর্ দি ফ্যাকচুয়াল ডাটা আটম এই কোশ্চিন রিপিট হয়েছে এই কটেন ভোল্টেজ যদি জমান সিলিম আটম ইকোল জিরো পয়েন্ট সেভেন ভোল্ট জিরো পয়েন্ট থ্রি ভোল্ট জিরো পয়েন্ট সেভেন জিরো পয়েন্ট থ্রি এটা হচ্ছে কোশ্চিন নেগেটিভ অল দি अल आर दि सेमिकंडक्टर आर दि नेगेट टेमपेरेचर कोफिसेंट नगेटिव टेमरेचर कोफिशें अर्थ होमरेचर बोले रेजिस्टा कम हो सो नाचुराली थर्मिस्टर सेमिकनर अल आर दि टू आर दि एग्जाम्पल प्लाटनम कपर निकल अर दर दि मेटल मेटल आर दी पॉजिटिव टेपरेचर कोफिसेए थर्मिस्टर आर आर दि सेमिकंडक्टर सेमिकर आज ए नगेट टेम्परेचर कोफिसेंट सो दिस दसर इज दिस आर दि कन्सेपचुअुअल क्वेश्चन फैक्चुअल डाटा सो दिस इज आर दि फैक्चुअल डाटा अल आर दि फैचुअल डाटा क्वेश्चन ठीक है देन क्वेश्चन नंबर दस हो दि कन्ट्रेट दि कन्सट्रेसन अफ दि माइनो टी कर् इन डोपिंग बाय दि डोपिंग डोपिंग इलेमेंट बाय दि डोपिंग ठीक है बाई आल्स डोपिंग और दि एक्सेप्ट व्हाट मे वि डोपिंग दैट मीन दिस इज आल्सु डोपिंग कन्सेंट्रेसन बाइनस पोपसनाल टू दि तो इनभर्स प्रपोर्सनाल टू दि डोपिंग कनसेंट्रेसन ठीक है तो दिस इज आल क्वेश्शन है क्वेश्चन आम कि सल्व कर फर्मुला जदिम फर्मुला मन ना तो क्वेश्चन सल्व कर पारा ना फ्लक्स डेनसीट मल्टीफ्लक्स डेन्सीटेट रिमेम्बर दि फैक्चुअल डाटा ये हूँ फैक्चुअल डाटा ठीक है आल्सो कल फैक्चुअल डाटा देन क्वेश्चन नंबर बारह दि आउटपुट फ्रिक्वेंसी दि ब्रिज रेक्टिफायर एंड हाउ पे रेक्टिफायर ये क्वेश्चन सब फैम ब्रिज रेक्फायरे टू आई फ्रिक्वेन्सी ब्रिज रेक्फाइ टू आई फ्रिक्वेन्सी हाफ रेक्टायर ओनली फर दि फ्रिक्वेंसी सो दिस इज दि क्राइटे ठीक है देन क्वेश्चन नंबर तेरह जी एजुमिंग दि डायरे सर्किट टू दि आईड आम एजुम कर यो डायरेक्ट सकि गोटे आइडिया डायरेड सक आइडियल आई एंड इन दि सर्किट इज गिभेन तो आम कौन पचार आई और भि बाहर कर गोटे आइडल सर्किट आईडल सर्किट्रे आमकू करेन्ंट एंड वोल्टेज बाहर कर देखो यही प्रकार क्वेश्चन को सल्व करने को केल केल भोल्टेज डिड्रोल कैरेन्ंट डिड्रल ये सब फर्मुला निहात दरकार पड़ो ठीक है बास तो ये डायरेक्टर फटोटो बाइस है इपटे हिं केंट फ्लो हम और इपट हिंटेज बाहर कर करेंगे कैसे करेट फ्लो होती है व्हाट एम करेट फ्लोइंग इन सर्किट एंड ह्वाट इज दोलोल्टेड डेभलप एंड ए सर्किट से आम बाहर करवा ठीक है किन् बाहर कराउ टू फाइन व्यू कैन फाइंड आउट प्रथम आम बाहर देख ये पाँच प्रथम साक्रट बुझा दर जिससे फाइव भोल्ट दिए गिभेन पाँच वोल्टई इज गिभेन दे सी ऋजिस्टा टेन कोम ऋजिस्टा गिभेन देसी पॉइंट ए देश दी ए पॉइंट देश दर्थिंग रेस्टान्स टेन किलोम है कि बाहर करू फाइंड दि करेन्ट जदि आम आर भोल्टेज के बाहर करदे आर भोल्टेज के बाहर करदे भोल्टेज डिफरेन्स भोल्टेज डिफरेन्स भारी पड़ा वोल्टेज दिस दिशती वोल्टेज क्लियर दो इज आइडियल आईडियल भोल्टेज डिड ये भोल्टेज डिडल कौन वोल्ट भोल्टे टू रेजिस्टेंस सीरीज आर रेजिस्टेंस आर व्न आर रेजिस्टेंस आर टू आम ए बाहर करवा कहना आर व्वान रेजिटा दीदे फाइव वोल्ट नेट वोल्ट देखिए फाइव एले आर रेजिस्टेंस के टेन किलम आर रेजिस्टेंस के टेन किलोम हाउ टू फाइंड दि ए भि इक्वल टू नेट वोल्टेज

जो रेजटांस का तार रेजिस्टेंस बै आर वन प्लस आर यही फॉर्मूला है ना भाई यही फॉर्मूला ना यही फॉर्मूला सो दिश्री रेजिटा भोल्टेज डिशर सीमिल एटी पक तो नेट भोल्टेज के पाँच इंटुरेन्स टेन को बेन को प्लस टेन किलो तो कैसे है सो दिशे जांच इंटु टेन बस प्लस दस कोड़े तो क्या दस दुणे दुई टू पॉइंट फाइव वोल्ट या के ना टू पॉइंट फाइव वोल्ट वाइएगा भि ए क्लियर सिमिलरली भी भी कितने आनिया भी भी हट फाट भि भी आर वोल्टेज बाहर कर तो के, 9 वोल्ट, 9 10, 10 वोल्ट, 10 के वोल्ट, तो भिके कितना आनी नाइन इंटु दस बै दस प्लस दस कितना फोर पॉइंट फाइव भोल्ट पढ़िया तो फार दि नेट वोल्टेज डिफरेन्स दिस वोल्टेज मैं दिस वोल्टेज अत हो टू पॉइंट फाइव माइना फोर पॉइंट फाइव टू टू वोल्ट माइनास टू वोल्ट जीरो एमपिय माइना टू वोल्ट जीरो इज सिंपल फर्मुला ठीक है तो यही में कौन देख ले? Divider, divider, question. Question देखे ओनली फॉर दी वोल्टेज डिड ओनली फॉर दी वोल्टेज डिवाइड ठीक है क्लियर कल क्वेश्चन है कि फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन कनसेपचुअल क्वेश्चन है कि फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन प्रथम देखिया दिस ऑल आर दी कनसेपचुआल क्वेश्चन यहाँ होची कनसेपचुअल क्वेश्चन आसे आ कन्सेपचुअल क्वेश्चन कौन सब डाटा इज गिवन टू तो यू वी भि वीएस दिस इज 5 वोल्ट वीएस 5 पाँच भोल्ट इज गिन्ट यू देन व्हाट इज भि डी दिशा टेन भोल्ट यहाँ हो दस वोल्ट व्हाट इज दिश आर आर इक्वल थार्टी किलोम ठीक है सो दिस इज पॉइंट ए एनोड एंड दिस इज द कैथोड टर्मिनल ठीक है एनोड कैथोड एनोड कैथोड एंड दिस इज द सपोज एम एंड सपोज दिस दिशे एन एंड दिस सपोज क्यू ठीक है दिस इज ए सोर्स भि ड डी इक्वल टेन भोल्ट डी थ्री डी थ्री के डायड डी ओन डी टू डी थ्री पचास क्वेश्चन कौन पचास ना ये डी ओन एक डी ओन लेखी डी थ्री पर्यत आउट वोल्टेज के बोली पचार है ये डायर वोल्टेज ड्रप के जीरो पॉइंट सेवेन वोल्ट ये जीरो पॉइंट वोल्ट ये के जीरो पॉइंट सेवेन वोल्ट ड्रप दे जीरो पॉइंट सेवेन वोल्ट से कौन पचारा ना ह्वाट इज दि आउट टू वोल्टेज अफ़ ए गिभेन सर्किट ए गिभेन साकेट रोट भोल्टेज के बाहर कराया बुझे आउट वोल्टेज कि बाहर करे मत क्या पड़ो कौन जदि करे फ्लो होना है जेकोसी डायर को टेस्ट करके आमकूक दिटा मेथड अवलम्बन करें ओपेन सर्किट टेस्ट आउट हो सर्ट सर्किट टेस्ट बुझला उ कैन जी ओपेन सर्किट टेस्ट अदर दि सर्ट सर्किट टेस्ट वो कैन टेस्ट दि डायर तेजी आम डायर को टेस्ट कर दे पारा बुझलायर है ये रे कहला ह्वाट दिस्पे डी ओन डी टू डी थ्री आमको ये आउटपुट वोल्टेज बाहर करा पड़ो आउट वोल्टेज कितनी बाहर करी सिंपल एक ही लाइन में मोबाइल बताए तोड़तील्टेज जिरो पॉइंट सेवेन 0.7 0.7 0.7 जीरो 0.7 0.7 जीरो पेंट सेवेन प्लस जिरोइ पॉइंट सेवेन प्लस जिरो पॉइंट सेवेन के टू पॉइंट वा वोलोल दानसर इज करक्ट दी आन्सर इज टू पॉइंट व्वान वोट लेकिन डाटा कम आई डाटा इज गिन् डाटा कम आंपक कन्न फ्यूज करना देती लेकिन कनफ्यूजापीच लेकिन आम टेस्ट कौन टेस्ट कराया प्रथमें देख ओपन सैकड़ करदेगा डायरेक्टाज ओपन सैकड़ डायरेक्ट एक्टाज ओपन सकती होती है कौन डिस भोल्टेज प्लस माइनस पाँच भोल्ट पे पाए भोल्टेज तो डायरेक्ट कॉन्ट डायरेक्ट एक्टाज एक्टिफायर डायरेक्ट एक्टाज रेक्टिफायर कनवर्ट एस सू डीसी सी कनवर्ट एस सी करियो डसीसी हमें कनभर्ट करें डसी देखे ह्वाट एपेन दिस् ओपन सर्किट ये ओपन सर्किट होगा ओपन सर्किट ला पर लाला करंट फ्लो ना यू कैन कैन यू अप्लाई द ओपन सर्किट द करंट नॉट फ्लो ठीक है तो इपटा आसला तो व्हाट एपेड दिस इज दि कैंट इज नॉट फ्लो बिकॉज दिस ऑल आर द डीसी तो दिस व्हाट दि ये भी ओपन सर्किट ये ओपन सर्किट ओपन सर्किट तो पॉइंट से भोल्टेज कहते जीरो पॉइंट सेवन वोल्ट जिरो पॉइंट सेवेन वोट जो पॉइंट सेवेन तीन का मिले अब आउटूट फोल्टेज पड़ेगा कितने टू पॉइंट वा वोल्ट ठीक है तो डायरेक्ट ऑपरेट ओनली फॉर द एसी यू कैन कनभर्ट ए टू इंटू डीसी तो डायरेक्ट एक्टार्ज रेक्टिफायर सर्किट बुझला तो एससी टू कन्वर्ट कर कनभर्ट करें डी अप्लाई करता व्हाट हैपन दी दि आउटपुट भी सिमिलरली एडा को भी आगे कन्सड्रेट कर दे दिस को पारा डिस्कूँ बुझेक्ट डॉ डायरेक्ट एक्टार्ज रेक्टिफायर तो व्हाट द करंट द करंट इक्वल जीरो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया है लेकिन फ्रॉ दि क्वेश्चन ऑफ फिफ्टीन क्वेश्चन ऑफ फिफ्टीन इज भरी वेरी इंपोर्ट कौन दे क्वेश्चन दि इनपुट भोल्टज फुल एवरेज रेक्टिफायर भिटी इक्वाल टू टू हंड्रेड सैनो मेगाट द पीक इनवर्सिंग वोल्टेज पीक इनवर्सिंग वोल्टेज कौन फुल ऋक्टायर भि एम के इक्वाल टू भिटक् टू भि एम सैनो मेगा लिखिपरे भि एम के दुई सौ सैनो मेगा मतलब क्या दुई सौ भि एम सिंपल आज टू हंड्रेड वोल्ट ठीक है वेरी सिंपल टू जो कोफिशिएंट सिंपल फर्मुला दिस ऑल आर द फैक्चुअल डाटा तो यहीपर भाव क्वेश्चन सब आस दि पिक यूनिभर्सी भोल्टेज देख पिक यूनिभर्सी वोल्टेज क्वेश्चन पचार यूनिभर्सी वोल्टेज फुल एक्ट हाँ पचारा पिक्क वोल्टेज हाफ एर एक्ट हार देख पिक यूनिभर्सी वोल्टेज डायड यूज इन हाफ हाफर एक्टर हाफ एर एक्टर केते सिली वी क्लियर क्लीयर जदि यहीपरी भाव क्वेश्चन मान आपड़ा सल्व करने को चाहती वी वांट टू क्राक् दि ओपिटीसी एग्जाम पाकोड़ा क्वेश्चन को सल्व करवा सिमिलारि ओके गो टू दि ट्रांजिस्टर क्वेश्चन दिस अल्ल आर दि क्वेश्चन फर दि डायर एवं आम डायर ना यू गो टू दि ट्रांजिस्टर क्वेश्चन ओके क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी को देखा क्वेश्चन ट्वेंटी ओन क्वेश्चन ट्वेंटी व्न से कौन कहला दि भोल्टेज गेन अफ दि विजेट रो भोल्टेज गेन कौन व्हाट दि विजेट मेरे बायपोल्रा जंक्शन ट्रांजिस्टर सिंपली आउट भोल्टेज बाय इनपुट भोल्टेज यदि वोल्ट आउट टू वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज आउट को भि इ जिरो एंड इनपुट वोल्टेज इक्वल टू भि आई आउट टू वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज ठीक है आम किए लिखिपरवा इक्वाल टू आई जिरो इंटु लोड रेजिस्टेंस बाय आई आई इंटु इनपुट रेजिटा लिख पारे नाइ भि ईक्वल टू आई इंटु आर आई आई आर मतलब आउट आई जीरो इंटु आर एल बै भि आई 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 आर आई ठीक है R, तो व्हाट इज आई जीरो बै आई 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 जीरो आई आई गेन दिस इज अल्सो कैंट गेन तो लिखिपरिया ए भी वोल्टेज गेन इक्वल टू करे गेन आक करेन्ट गेन इन आर एल बै आर इंटू आर एल बै आर लिखिपारे नाई तो यम लिखिपर नाइं दिस दिस फर्म आर दिस दिस इन दिस मैन ऊ कैन फाइंड आउट दि फर्मुला ठीक है तो जे फिट जंक्शन फिल इफे ट्रांजिस्टर जंक्सन फिलफ ट्रांजिस्टर बाईफिट देख विजे बायोपोला जंक्सन ट्रांजिटर इज ए कैरेन्ट कंट्रोल डिइाइस एफिटी फिट फिल इफे ट्रांजिस्टर

ओपीटी सेला पूरा पैकेज पूरा कोर्स लाइफ टाइम पे पूरा पूर जो जते दिन पोंतो आपन माने एग्जाम क्रैक कर पा नंती सेते दिन पर्यंत तो आपन माने एक कोर्स रो लाभ नहीं पा नंती